महंगाई हर जुबान पर एक ही दुहाई, अशियाए खुरोनोश की कीमतें 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर, इलाज मुआलजा और तालीम समेत किरायों में भी होशरुबा इजाफा। एक साल के दौरान महंगाई 9.41% बढ़ी। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक महंगाई 6.7% बढ़ गई। सीएनजी 25%, टमाटर 315, सब्ज़ मिर्च 151% महंगी, दालें और मशरूबात के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल, शहरी सरपीट कर रह गए। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोल के बाद एलपीजी बम भी गिरा दिया गया, 3 रुपए फी किलो इजाफा, घरेलू सिलेंडर 41 रुपए महंगा, नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के तूफान के साथ डॉलर की भी ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में 80 पैसे मजीद महंगा, 143 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 11 पैसे का इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 10% किराए बढ़ाने की ठान ली, फैसला वापस ना लेने पर सामान की तरसील बंद करने की धमकी, लाहे अमल तय करने के लिए कल हंगामी इजलास तलब। आवाम तो तंग आ चुकी है रोज रोज के इससे, कोई इतना रिलीफ तो मिले कि जरा गरीब आदमी आसानी से रोटी कमा सके। अब तब्दीली का मतलब ये है लोगों के जनाब में महंगाई के आप उन पे बम गिराएं। नया पाकिस्तान की तब्दीली में कोई फायदा तो मिला नहीं है, नुकसान ही है सारा। इमरान खान को भी हमारा भी गरीबों का भी एहसास करना चाहिए। एक ऐसा पीटीआई हुकूमत है, ये तो सब चोर है, महंगाई हो गई यार। आवाम पर एक बम गिरा दिया है पीटीआई की हुकूमत ने। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, आवाम फट पड़े, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा नाकाबिले कबूल है, शहबाज शरीफ का ट्वीट। जियालो ने ये मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान कर दिया, जमात इस्लामी का लाहौर के वहदत रोड पर एहतजाज। जहाँ तक आप महंगाई की बात करें, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई है, तो इकदामात लिए जाते हैं उससे महंगाई होती है। 2008 में भी यही हुआ, 2013 में भी यही हुआ। आप उनकी हुकूमत आने के 6-8 महीने के बाद के इन्फ्लेशन के नंबर देख लें और हमारे अफराद ज़र के नंबर देख लें, हमारे आज भी उससे कम है। ये मैं नहीं कह रहा महंगाई नहीं है, महंगाई है। मईशत ठीक करने के लिए सख्त फैसले किए, इसीलिए महंगाई बढ़ी, वजीर खजाना का एतराफ। पीपी और नून लीग की हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई कम है, असद उमर की अनोखी मंतक, समंदर से तेल निकला तो तेल सस्ता कर देंगे, वजीर इत्तलात की दुआ की अपील। हम रीजन में इस वक्त सबसे कम कीमत के ऊपर तेल जो है वो दे रहे हैं, अब आप इंशाल्लाह दुआ करें, हमारा अपना एग्जॉन का जो अल्लाह करे प्रोजेक्ट उसमें लेकिन चॉइस आपसे सवाल ही जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है, तजावीज दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। वही अफसरान जो साथ बैठे होते हैं बाहर आके बातें करते हैं, वही वुज़रा जो साथ बैठे होते हैं वो बाहर आके बात करते हैं। खिदमत जरूरी, मीटिंग की सदारत से करनी है आपने। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर इख्तलाफात की जंग तेज, सरकारी इजलास में शरीक होकर अदालती फैसले की तौहीन ना करें, जहांगीर तरीन के बैठने से मरियम औरंगजेब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है, बैकग्राउंड में चले जाएं, इजलासों में ना आए, शाह महमूद कुरैशी ने सब कह दिया। वजीर आजम की ख्वाहिश पर हर जगह जाता हूं, सियासी मामलात के हवाले से सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूं, शाह महमूद समेत कोई भी मुल्क की खिदमत से रोक नहीं सकता, जहांगीर तरीन का वजीर खारजा को जवाब। जहांगीर तरीन के साथी भी खुलकर मैदान में आ गए, हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का किरदार है फवाद चौधरी का बयान, सीनियर रहनुमा के तजुर्बात से इस्तफादा करते हैं, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, फैसल वाबडा और मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं का रद्द अमल।
साहब के बच्चे अब एक नया फैसला करने वाले हैं। वो फैसला ये है कि पंजाब में तो हमें पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं दे रहा, चुनाचे हम आइंदा नून की तरफ शिफ्ट करें। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे नून लीग में जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का दावा। जनाब वजीर आजम शाह साहब की साजिश से बचकर रहे, उन्हें तहरीक इंसाफ में वो मनसब नहीं मिला जिसके लिए उन्होंने ज्वाइन की थी। जियाले रहनुमाओं का जवाब, शाह महमूद कुरैशी के नून लीग में जाने की भी पेशगोई, प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्रामा और अदाकारी करार। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहूंगा कि वो इनसे बचें, ये खुद एक साजिशी शख्स है, ये वहाँ पर वजीर बनने के लिए नहीं गए थे, ये वहाँ पर कुछ और बनने के लिए गए थे, इनके अपने मफादात हैं। ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं, माजी भी जानते हैं, हमारा माजी भी जानते हैं। डेप्यूटी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, पेट्रोल बॉम्ब उड़ा दिया है, अवाम महंगाई की सुनामी में क्यों डूब रहे हैं, ये अवाम दुश्मन हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। दो डिप्टी वज़राए आज़म की लड़ाई में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, बिलावल का शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन पर तंज, अवाम दुश्मन हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, फजलुर रहमान को जियालो की शागिर्दी में आने का मशवरा। ये जो बुढ़ापा आता है, समझते हैं कि हमारा जगह ये लोग ले जाएंगे, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। फजल रहमान ने कहा कि मैं बिलावल को शागिर्द लेने के लिए तैयार हूँ, मैं मर गया हूँ, फजल रहमान साहब बड़ी सख्त हमारी लड़ाई हो जाएगी। बिलावल को शागिर्दी में लेने का पहला हक मेरा, शेख रशीद का फजल रहमान को पीछे हटने का मशवरा। पीपी चेयरमैन ने ट्रेन गंदी कर दी, सलीम मांडवी वाला को नोटिस दूंगा। नवाज शरीफ का दिल लंदन में फंसा हुआ है, वजीर रेलवे की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। तो यही है कि PMLN ने इन मुकदमात को आगे बढ़ाने के लिए हमायत करेगी नैब की, क्योंकि शुरू जो उन्होंने किया था, तो उम्मीद है कि जरदारी साहब जो है वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह, और जिस तरह से वो जेल में आ जा रहे हैं, जरदारी साहब का भी फ्यूचर तो यही लग रहा है। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी की बारी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम के तहत चलता रहेगा वजीर इत्तलात की मीडिया टॉक। इत्तफाक राय ना होने पर फौजी अदालतों का मामला तर्क करने का ऐलान। अगर कंसेंसस हुआ तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आगे आएंगी, अगर कंसेंसस नहीं होगा तो हम इसको फिर इस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे। वजीर इत्तलात और MDPTV सेनेट कमेटी में आमने सामने, अकरबा परवरी नामंजूर, आपके कहने पर जाने वाला नहीं। अरशद महमूद का फवाद चौधरी को जवाब, शाह से ज्यादा शाह के वफादार हर वक्त वजीर आजम हाउस में रहते हैं, बड़े खिलाड़ी को तैश आ गया। 2019-20 में इमरान खान से गलत काम करवाए जाएंगे और इनसे काम करवा करके सियासतदानों को बदनाम करवा करके इनको छुट्टी पे भेजा जाएगा और इमरान खान को रिप्लेस करेंगे। मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया, इमरान खान से 2019 और 20 में गलत काम कराए जाएंगे, सियासतदानों को बदनाम कराकर उन्हें छुट्टी पर भेजा जाएगा, वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे तो दिलवाया जाएगा, पीपल्स पार्टी रहनुमा की पेशगोई। चौधरी शुजात भी 18वीं तरमीम के मुखालिफ, आइंदा नस्लों के साथ मुजरिमाना फेल किया गया, तालीम को सूबों के हवाले करके सबसे बड़ी ज्यादती की गई, सदर मुस्लिम लीग काफ बरहम। मुशर्रफ 2 मई को ना आए तो दिफा का हक खत्म, ट्रायल कोर्ट गैर मौजूदगी में इस्तगासा को सुनकर फैसला करे, इल्तवा की दरख्वास्त कबूल ना की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में पेशरफ पर फैसला सुना दिया। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाप्त,
لاہور ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو نوٹس، تحریری جواب طلب، درخواست گزار نے نواز شریف کے لیے اپیل واپس لے لی۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، خواجہ آصف نیب راولپنڈی آفس میں پیش نہ ہو سکے، مصروفیت کے باعث حاضر نہیں ہو سکتا، لیگی رہنما کا خط۔ احتساب بیورو کو با اختیار بنانے کی دعوے دار، سرکار کا انوکھا کام، عالمی ادارہ برائے انسداد بدعنوانی میں نمائندگی کا اختیار نیب سے واپس، وزارت داخلہ کے اقدام پر وزارت قانون کا اظہار تشویش۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا معاملہ، پیپلز پارٹی نے سینٹ میں مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ وزیراعظم کا قطری وفد سے معاشی شعبے میں دلچسپی پر اظہار تشکر، سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول پیدا کر رہے ہیں، عمران خان نے سیاحت، ہاؤسنگ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے والد سردار فتح محمد انتقال کر گئے، وزیر اعظم، شریف برادران، پرویز الہی اور مراد علی شاہ کا اظہار افسوس، تونسا میں نماز جنازہ، سیاسی شخصیات کی شرکت۔ کوہستان ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار افضل کوہستانی کے قتل کا کیس خصوصی عدالت بھیجنے کی تجویز، سینٹ کمیٹی کا تحقیقات پر اظہار عدم اطمینان، فیملی اور فرزانہ باری کو تحفظ دینے کی سفارش۔ ڈھیرکی کی نو مسلم بہنوں کا بیاہ، والد نے میڈیکل بورڈ بنوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، نفسیاتی ٹیسٹ کی بھی درخواست۔ رانی کے نئی دہلی کے گھر پر انکم ٹیکس کا چھاپا، مکان سیل کر دیا گیا۔ سندھ میں میٹرک امتحانات یا گھناؤنا مذاق، شہر شہر پرچے آؤٹ، 200 روپے دو، حل شدہ لے لو، اندرون سندھ فخریہ پیشکش، ہررا مافیا بھی ایکٹیو، کئی شہروں میں طلبہ کی موجیں، دبا کر نقل۔ پڑھائی کے بجائے واٹس ایپ گروپ بنا کر مسئلہ حل، کراچی میں طلبہ نے اسمارٹ فون سے مدد لے لی، ہرے چلتے رہے، طالب علم دوسرے کا پرچہ حل کرتے پکڑا گیا، بد انتظامی بھی عروج پر، کرنگی میں بچے سینٹر تلاش کرتے رہ گئے۔ میٹرک کے پرچے آؤٹ کیسے ہو گئے، وزیر اعلیٰ سندھ نے سر پکڑ لیا، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب، ذمہ داروں کے نام سامنے لانے کا بھی حکم۔ ایف بی آر کا بے نامی کھاتوں کے خلاف آپریشن کا آغاز، پہلے مرحلے میں ماہانہ 1 کروڑ کی ٹرانزیکشنز والے اکاؤنٹس کو پکڑنے کا فیصلہ، تحقیقات کے بعد مقدمہ درج ہوگا۔ درہ خنجراب سے پاک چین تجارتی اور سیاحتی سرگرمیاں بحال، موسمی حالات کی وجہ سے بند سرحد 4 ماہ بعد کھول دی گئی۔ جنوبی نیپال میں طوفانی ہواؤں اور بارشوں سے تباہی، حادثات میں 27 افراد ہلاک، کئی گھر تباہ، سینکڑوں درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ چوکے پر 8، چھکے پر 12 رن، کیچ آؤٹ پر نان اسٹرائکر اینڈ پر موجود، کھلاڑی بھی آؤٹ، ڈے نائٹ ٹیسٹ میچز میں بریک کے بعد رنز ڈبل ہو جائیں گے۔ آئی سی سی کی ویب سائٹ پر حیران کن قوانین جاری، کرکٹ کی عالمی تنظیم نے اپریل فول منا لیا۔